मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लास्की के राज्य और प्रभु सत्ता के संबंध में विचार। लास्की ने राज्य की प्रभु सत्ता के बारे में जो अपने विचार दिए उनसे पहले उन्होंने ऑस्टिन की प्रभु सत्ता की थ्योरी के बारे में आलोचना की है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑस्टिन की प्रभु सत्ता की थ्योरी क्या है। ऑस्टिन ने अपनी प्रभु सत्ता की थ्योरी में राज्य के संप्रभु को अनलिमिटेड पावर्स की बात की है। तो वो कहते हैं कि राज्य के जो संप्रभु हैं, जो भी राजा होना चाहिए, जो भी शासक होना चाहिए, उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होनी चाहिए। उनकी पावर्स पर किसी तरह का कोई चेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने की है कि जो संप्रभु का आदेश है, जो राजा का आदेश है, वो कानून है। उनके कानूनों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो राजा जो भी कहेगा वो आदेश सबके लिए मान्य होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि असीमित पावर, राज्य के पास असीमित पावर होनी चाहिए। व्यक्ति उसके कानूनों के अगेंस्ट नहीं जा सकता, चाहे व्यक्ति उसके कानूनों को मन से ना भी माने, तब भी राज्य के कानूनों को मानना जरूरी होगा। तो ये ऑस्टिन की थ्योरी, उन्होंने निरंकुशवादी थ्योरी की बात की है, जिसमें अनलिमिटेड पावर्स की बात की है। तो अब हम बात करेंगे कि लास्की ने अपनी प्रभु सत्ता के संबंध में क्या विचार दिए हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी डिफिकल्ट टू डिसाइड सॉवरेन। लास्की कहते हैं कि किसी भी तरह की असीमित शक्ति राज्य के लिए सही नहीं होती, व्यक्तियों के लिए सही नहीं होती। इनफैक्ट राज्य का जो कार्य है, व्यक्ति का कल्याण का कार्य है। अगर किसी भी संप्रभु का आदेश राज्य के लिए, व्यक्तियों के लिए अनलिमिटेड पावर्स के रूप में होगा, तो कोई भी व्यक्ति सही तरीके से कल्याणकारी राज्य की भावना से राज्य में नहीं रह सकता। इसलिए राज्य का जो स्वरूप है, कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है। तो राज्य का मेन काम है कल्याण के कार्य करना, ना कि अपने आदेशों का पालन करवाना। क्योंकि व्यक्ति कानूनों के जो पालन है वो अपनी इच्छा से करता है, ना कि डर से करता है। और ऐसा ही राज्य का स्वरूप होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि संप्रभु का जो निर्णय है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये भी कंसीडर करना मुश्किल है कि संप्रभु कौन है। तो उसका जो निर्णय करना बहुत कठिन है, क्योंकि संप्रभु पहले ही नहीं बनाया जाता। पहले जो सिस्टम होता था उसमें जो हमारा जो राजतंत्र होता था, राजतंत्र में एक पैतृक पद के आधार पर राज्य का चुनाव किया जाता था। लेकिन आजकल डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक एज में, यह पता लगाना मुश्किल है कि आने वाला नेक्स्ट संप्रभु कौन होगा। तो इसलिए यह बहुत मुश्किल है कि संप्रभु का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता के हाथ में होता है। जनता चुनाव के माध्यम से निर्वाचक मंडल के हाथ में संप्रभु का फाइनल करना होता है। इसलिए यह बहुत मुश्किल है कि संप्रभु कौन होगा। उसके बाद में दूसरी बात करूंगी कि संप्रभु की असीमित और सर्वोच्च होने की आलोचना। वो कहते हैं कि संप्रभु की शक्तियां असीमित होनी चाहिए, लेकिन लास्की ने ऑस्टिन की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी संप्रभु इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो अपनी निरंकुशता को फैलाए राज्य में, बल्कि संप्रभु का जो मेन उद्देश्य होता है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। इसलिए संप्रभु की असीमित शक्तियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको सीमाओं में रहकर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि सॉवरन डजंट हैव अनलिमिटेड पावर। कोई भी संप्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। इनफैक्ट उन पर भी किसी तरह का चेक होना चाहिए, तभी कल्याणकारी राज्य अपना स्वरूप सही तरीके से कल्याणकारी राज्य हो सकता है। इसलिए उसके बाद में बात करूंगी तीसरी बात है ऑर्डर ऑफ सॉवरन इज नॉट लॉ। देखिए, ऑस्टिन ने कहा है कि जो संप्रभु का आदेश है, जो राजा का आदेश है, वो कानून है। लेकिन लास्की ने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि संप्रभु का आदेश कानून नहीं है। कानून और आदेशों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि जो कानून है, कानून के अंदर स्वयं राजा भी आता है। लेकिन जो आदेश है, आदेश ऐसा हो सकता है जिसमें राजा अपने आदेश का पालन दूसरों से करवाए और वह स्वयं आदेश का पालन ना करे। लेकिन यहाँ पर ऑस्टिन की थ्योरी को, जो संप्रभु का आदेश कानून है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि संप्रभु का आदेश कानून नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी अगर कानून से ऊपर होता है तो उसके तानाशाह बनने की संभावना बढ़ जाती है। और लास्की ने लोगों के अधिकारों की बात की है, इसलिए उन्होंने लोगों को प्रभु सत्ता की असीमित थ्योरी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद में बात करूंगी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए, ऑस्टिन की थ्योरी के अनुसार हम कहेंगे कि उन्होंने जो असीमित सत्ता की बात की है, असीमित सत्ता में शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन की बात आती है, शक्तियों के केंद्रीयकरण की बात आती है। लेकिन अगर हम लास्की की बात करें तो लास्की ने केंद्रीयकरण थ्योरी की आलोचना की है, क्योंकि केंद्रीयकरण से जो लोगों की जो कल्याणकारी भावनाएं हैं, राज्य की कल्याणकारी भावनाओं पर फर्क पड़ता है और जन कल्याण इस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड
पावर के माध्यम से किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन में लोगों को खुद सत्ता में भागीदारी की फीलिंग आती है और व्यक्ति अपने बनाए कानूनों का पालन ज्यादा मन से करता है बजाय कि ऊपर से थोपे हुए कानूनों का। उसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने बात की है कि राज्य व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन भय से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से राज्य की आज्ञा का पालन करेगा तो वो कानूनों को नहीं तोड़ेगा बल्कि कानूनों को फॉलो करेगा। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि असीमित शक्ति की बजाय सीमित शक्तियों का प्रयोग किया जाए। स्वयं राजा को भी कानूनों का पालन करना चाहिए और लॉस्की ने प्रभुसत्ता के बारे में अपने इस तरह के विचार दिए हैं। उसके बाद में बात हुई, उन्होंने कहा कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। तो लॉस्की ने बात की है कि लॉस्की फेबियनवादी थे, बहुलवादी थे, जिनको हम कहेंगे बहुलवादी का मतलब है कि जो एक से ज्यादा संस्थाओं में विश्वास करते हो। तो बहुलवादी होने के नाते उन्होंने राज्य के साथ साथ अन्य संस्थाओं की इम्पोर्टेंस की भी बात की है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ राज्य ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि राज्य जैसी अन्य संस्थाएं भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए सिर्फ राज्य को ही निरंकुशवादी नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ राज्य ही अपने आप में निरंकुशवादी रूप धारण ना करे, असीमित शक्तियों का प्रयोग ना करे, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड पावर के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। और डिसेंट्रलाइजेशन तभी हो सकता है जब राज्य के अलावा अन्य समुदायों को भी उतना ही इम्पोर्टेंट बताया जाए, क्योंकि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अलग अलग समुदायों में रहकर करता है। व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बहुत सारी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अलग अलग समुदायों का सदस्य बनकर करता है। तो इसलिए सिर्फ राज्य ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि अन्य संस्थाएं भी उतनी ही जरूरी है जितना कि राज्य है। उसके बाद मैं बात करूंगी उनकी आलोचना, राज्य के लॉस्की के बहुलवाद की आलोचना। तो लॉस्की ने अपने बहुलवाद की थ्योरी में जो पॉइंट्स बताए हैं उनकी अब हम आलोचना करेंगे। तो इसमें आलोचना का पहला पॉइंट आता है कि उन्होंने जिस तरह की ऑस्टिन की थ्योरी की आलोचना की है उस तरह की ऑस्टिन ने थ्योरी नहीं दी। तो देखिए उनकी बातों से लगता है कि जिस तरीके की ऑस्टिन की थ्योरी लॉस्की ने जिस तरीके से ऑस्टिन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, वास्तव में ऑस्टिन की थ्योरी उस तरीके से नहीं है। उन्होंने राज्य के निरंकुशवादी रूप को हाईलाइट नहीं किया है जबकि लॉस्की ने उनके निरंकुशवादी रूप को ही सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है, जबकि वास्तव में निरंकुशवादी पावर ऐसी राज्य की पावर निरंकुशवादी नहीं है। उसके बाद में बात करूंगी लॉस्की की आलोचना इस आधार पर की गई है कि उन्होंने बहुलवादियों की तरह राज्य और सरकार को बिल्कुल ही एक मानने की भूल की है, जबकि राज्य और सरकार दोनों एक नहीं है। राज्य के चार तत्व होते हैं जिन तत्वों में सरकार एक तत्व है, और इसी तरीके से बाकी अन्य तत्व भी राज्य के उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की सरकार। तो इस तरीके से राज्य और सरकार को हम एक मानने की भूल नहीं कर सकते, जो कि लॉस्की ने की है। इस आधार पर हम लॉस्की की आलोचना कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, ना कि दोनों एक हैं। राज्य और सरकारें दोनों अपने अपने अलग अलग कार्य करती है, बल्कि सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन राज्य का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन राज्य नहीं बदलता, राज्य हमेशा परमानेंट रहता है। इसलिए राज्य के लिए जो चारों तत्व अगर हैं, चारों तत्व अगर एग्जिस्ट करते हैं तो राज्य परमानेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर उन चारों तत्वों में से एक भी तत्व नहीं होता तो राज्य के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लग सकता है, अदरवाइज राज्य एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कई बार सरकारें अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाती और उससे पहले ही सरकार बदल जाती है। इसलिए राज्य सरकार दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो कि लॉस्की ने इनको एक समझने की भूल की है, इस आधार पर इनकी आलोचना की गई है। उसके बाद में बात करूंगी उन्होंने विकेंद्रीकरण की जो बात की है उसका परिणाम अराजकतावाद हो सकता है। इसका मतलब क्या है अराजकता, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्टेटलेसनेस। अगर हम राज्य की सारी ही शक्तियों को छीन लेंगे और राज्य को निरंकुशवादी की बात कहकर हम राज्य की शक्तियों को विकेंद्रित कर देंगे, जरूर से ज्यादा विकेंद्रीकरण भी गलत है, क्योंकि इससे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता बल्कि इससे धीरे धीरे लोगों में कानून ना मानने की भावना की उत्पत्ति होगी और लोग सेल्फ रूल की फीलिंग से कानूनों को तोड़ने लगेंगे। इसलिए कभी भी जो राज्य की जो पावर्स हैं, जो आजकल कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का की एज है, जिसमें हम कह सकते हैं कि राज्य सिर्फ पुलिस फंक्शंस ही नहीं करता बाकी कल्याणकारी कार्य भी करता है, बहुत सारे वेलफेयर फंक्शंस करता है, जैसे लोगों के हेल्थ की सेवाएं प्रदान करना। अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो राज्य ने कितनी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं। आज सब जगह कोरोना का कहर छाया हुआ, उसके बावजूद भी राज्य अपनी सर्विसेज दे रहा है। अगर राज्य का कल्याणकारी स्वरूप ना हो तो हम ऐसी
ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को देखते हुए राज्य का ये मानना, हमारा मानना गलत है कि राज्य और सरकारें एक हैं। राज्य को कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए, इस आधार पर लॉस्की की आलोचना की गई है। थैंक यू सो मच।